मोटरोला ना भाई साहब बहुत सारी चीजें कमाल का कर रहा है ना। आप में से बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज होंगे क्योंकि मोटरोला का लेटेस्ट जो आकर के मोटो एज 50 फ्यूजन को लॉन्च कर दिया गया, बट यहीं पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मोटो एज 40 जो न्यू है जो कि 2023 में लॉन्च हुआ था, दोनों का भाई साहब सिमिलर एकदम कट टू कट नेक प्राइसिंग है। मोटो एज 50 फ्यूजन के देखा जाए तो यहाँ पे 22,999 पे देखने को मिल रहा है, ऑफर वॉफर मिलाकर आप 21,000 पे ले सकते हो। साथ में यहाँ पे अगर मोटो एज 40 न्यू का देखा जाए तो ये 22,500 एंड अगेन यहाँ पे भी 1,500 का ऑफर मिला करके 21,000 के आसपास में ले सकते हो। तो प्राइस तो दोस्तों सिमिलर सा है दोनों से, बट हाँ जब आप एक सिमिलर प्राइस दे रहे तो भाई साहब फोन कौन सा तगड़ा है, ये काफी बड़ा कंफ्यूजन। चलो दोस्तों आज की वीडियो में ये कंफ्यूजन में क्लियर करता हूँ एंड काफी सिंपल तरीके से आपसे समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते दोस्तों इसकी प्रोसेसर की। प्राइसिंग सेम होने की वजह से बट प्रोसेसर में काफी ज्यादा चेंज है। जो हमारा मोटो एच 50 फ्यूजन आता है वो आता है स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 के ऊपर में, जो कि एक लेटेस्ट 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। इसके साथ में जो मोटो एच 40 न्यू है गाइस वो आता है मीडियाटेक डायमंडीसी 7030 जो कि थोड़ा पुराना प्रोसेसर है। एंड अगर इनकी दोनों के एंटिटी स्कोर की बात करें तो भाई यहाँ पे फ्यूजन जाकर के 6,20,000 का स्कोर लेके आता है एंटिटी स्कोर, और यहीं पे जाकर के मोटो एच 40 जाकर के करीबन 4.39 लाख लेके आता है। तो नो डाउट गाइस परफॉर्मेंस के मामले में काफी ज्यादा आगे है आपका फ्यूजन वाला डिवाइस। एंड बट इसके बाद में और भी कुछ चीजें हैं तो यहाँ पे जैसे दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे जो कैमरा यूज हुआ है, कैमरा यहाँ पे जाकर के दोनों में ही 50 मेगापिक्सल एंड 13 मेगापिक्सल का दो रियर कैमरा दिया गया, फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया। बट यहाँ पे जो मेन चेंजेस होता है दोस्तों, जो हमारा फ्यूजन में जो वहाँ पे सोनी का लिटिया 6700 का यू नो सेंसर यूज करा गया जो कि काफी तगड़े लेवल का प्रोसेसिंग करता है और काफी अच्छी लेवल का आपको जो है पिक्चर क्वालिटी निकाल के देते हैं। ये अगर बात करें मोटो एच 40 नियो के अंदर में, यहाँ पे ओमनी विजन का OV50A वाला सेंसर लेके रखा है। दोनों का अगर सेंसर की यू नो कंपैरिजन करा तो भाई ऑलवेज सोनी का कैमरा आपको ज्यादा बेटर परफॉर्म करके देगा, लो लाइट कंडीशन हो जाए या फिर डे लाइट कंडीशन में हो जाए। ओमनीवर्स कंडीशन में जो कि थोड़ा सा हीटिंग का भी प्रॉब्लम देखने वाला है, साथ में जो लो लाइट कंडीशन में फोटो काफी अच्छा नहीं निकाल गए। तो यहाँ पे क्लियर विनर है दोस्तों फ्यूजन, जिसका कैमरा क्वालिटी आपको काफी अच्छा प्रोवाइड करके देगा। साथ में दोस्तों अगर देखा जाए तो फ्रंट मेगापिक्सल का जो 32 MP का कैमरा, दोनों में ही सेम सेंसर वगैरह यूज करा गया तो इतना कुछ ज्यादा खास नहीं है। बट अगेन यहाँ पे प्रोसेसिंग जो है ना हेलो UI की वजह से जो है काफी अच्छा होने वाला है, नया फोन है एंड इसमें जो है फ्यूजन में आपको प्रोसेसिंग थोड़ा बेटर देखने को मिल सकता है। बैटरी के डिपार्टमेंट में देखा जाए तो दोनों सा सिमिलर से 5000 mAh की बैटरी है। स्टोरेज के मामले में आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। एंड यही बात करें तो दोस्तों अगर हम इसका लॉन्च डेट देख सकते हो, दोनों का डेट यहाँ पे कुछ है, बट मेन बात आता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। नो डाउट गाइस मोटो एज 40 न्यू एक काफी तगड़े लेवल का डिवाइस है एंड ये एंड्रॉइड 13 के साथ में लॉन्च हुआ था और एंड्रॉइड 14 का वादा था और एंड्रॉइड 14 इस पे जो है ना अभी आने भी वाला, अभी तक यहाँ पे आया नहीं है। बट जब भी एंड्रॉइड 14 आएगा आपको मोटो एज 40 न्यू के अंदर में यहाँ पे MIUX वर्जन मिलेगा। बट वही बात करते हैं फ्यूजन पे दोस्तों, फ्यूजन पे आपको जो है ना लेटेस्ट एंड्रॉइड 14 मिलेगा और ये मिलेगा हेलो UI के साथ में। साथ में आपको 3 साल का मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा, 4 साल का आपका सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा जो कि काफी तगड़ा लेवल बना देता है सॉफ्टवेयर के मामले में। हेलो UI में काफी कुछ तगड़े लेवल की चीजें वगैरह हमने किया है एंड उसके ऊपर जो है वीडियोस वगैरह हमने बहुत ही जल्द पोस्ट करने वाले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। बाकी अगर बात करते हैं दोस्तों जो इसकी CPU की जो डिजाइनिंग वगैरह, ज्यादा कुछ चेंजेस वगैरह नहीं है, हल्का फुल्का चेंजेस है, बट हाँ परफॉर्मेंस में जाकर के आपको फ्यूजन ज्यादा परफॉर्म देगा। साथ में अगर ग्राफिक्स बात करें तो यहाँ पे ग्राफिक्स जाकर मोटो एज 50 फ्यूजन पे जाकर आपको एड्रीनो 710 दे के रखा है, वही 40 नियो के ऊपर में माली G610। दोनों की अगर ग्राफिक क्वालिटी देखा जाए तो दोनों से सिमिलर से 19-20 का फर्क होगा, बट हाँ अगर तब पर भी अगर मुझे एक को पिक करना होगा तो मैं एड्रीनो को पिक करूंगा। एड्रीनो का काफी तगड़ा लेवल का परफॉर्मेंस रहता है, बट वही माली का अगर G700 सीरीज लगा रहा था तो नियो के अंदर में वो काफी तगड़ा परफॉर्म करता, बट एनीवेज यहां पे क्लियर विनर है फ्यूजन दोस्तों। एंड इसी के साथ में अगर बात करते हैं दोनों का डिस्प्ले भी सेम है, दोनों का डिस्प्ले साइज सेम है, दोनों का डिस्प्ले रेजोल्यूशन भी सेम है, दोनों भी फुल HD+ के साथ में आता है। बट यहां पे मेन चीज आ जाता है दोस्तों, जो हमारा मोटो एच 50 फ्यूजन है यहां पे जाकर के 393 पिक्सल डेंसिटी PPI है, बट वहीं पे
बात करते हैं मोटो एच 40 नियो के अंदर में 402 ppi. डेफिनेटली गाइस 402 ppi काफी ज्यादा बेटर होता है, बट इतना भी ज्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क है. बट हाँ, अगर आप यू नो नंबर वाइज अगर किसी को पिक करना चाहूंगा तो मैं यहाँ पे मोटो एच 40 को बेटर नंबर देना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे जितना ज्यादा ppi उतना ज्यादा क्वालिटी. हाँ जी हाँ दोस्तों, जो ppi का कैलकुलेशन हर एक 10 नंबर भी चेंज होता है ppi, तो वहां पर आपको फर्क एक्चुअल में साइड बाय साइड जब रखोगे तो देखने को मिलेगा. एक्चुअल में आपको मोटो एज 40 नियो वाला जो ना क्वालिटी ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा, बट उतना ज्यादा बेटर नहीं मिलेगा. जब साइड बाय साइड रख रहे एकदम ध्यान से देखोगे तभी आपको देखने मिलेगा, बट उतना मजे भी उतना कुछ डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा. बाकी देखा जाए तो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो यहाँ पे फ्यूजन का ज्यादा बेटर है, नियो का थोड़ा सा कम है, बट इतना भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है. बट यहाँ ग्लास प्रोटेक्शन जो स्क्रीन प्रोटेक्शन है दोस्तों यहाँ पे काफी कमाल है. कॉर्निंग ग्लास का 5 प्रोटेक्शन यहाँ पे देके रखा. बाकी इसके अलावा देखा जाए तो काफी ज्यादा चीजें वगैरह सभी चीज सेम है. आप प्री ब्राइटनेस वगैरह ले लो या फिर स्क्रीन रिफ्रेश रेट वगैरह ले लो, काफी कुछ सभी सेम है. जो डिजाइन वगैरह है, जो डायमेंशन वगैरह है, वो भी सेम है. वेट का देखा जाए तो थोड़ा सा फ्यूजन 5 ग्राम थोड़ा सा ज्यादा है, बट उतना कोई फर्क की बात नहीं है. बट बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे एक नया चीज आके IP68 का दोनों में ही रेटिंग आपको देखने को मिलता है, जो कि काफी कमाल कर देता है. पानी वानी के अंदर में छीटे वटे पड़ जाए, बारिश होने चलता है, स्विमिंग पूल वगैरह में एकदम से बस से जंप कर सकते हो, जो कि दोनों फोन को कमाल कर देता है. दोनों फोन डस्ट प्रूफ वगैरह है. एंड बाकी बात करते हैं दोस्तों कैमरा का, आपका जो ना एपर्चर रेट वगैरह अगर देखो तो दोनों का सेम है, बट स्टिल जो फ्यूजन है यहाँ पे सोनी का कैमरा यूज होने की वजह से जो ना क्वालिटी आपको थोड़ा सा बेटर देखने को मिलेगा. एंड इसके साथ में अगर बात करते हैं दोस्तों काफी जितने भी अदर सेंसर्स वगैरह है, जो भी एक्स्ट्रा सेंसर प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स वगैरह, काफी सभी चीजें सेम है. थोड़ा सा यू नो जो कैमरा का यू नो जो फीचर्स वगैरह है वो भी काफी कुछ आपको सेम मिलेगा. जो हाईएस्ट वीडियो रिकॉर्डेशन वगैरह है, वीडियो रिकॉर्ड रेगुलेशन वगैरह, वो भी सेम है. दोनों में ही सेम फंक्शनैलिटी आपको देखने को मिलेगा. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो फ्रंट मेगापिक्सल को याद करें तो अगेन 32, दोनों में ही सेम सा सेंसर कैमरा क्वालिटी वगैरह देखने को मिलेगा. एंड ज्यादा कुछ डिफरेंस है, बट हाँ ओवरऑल मैं अगर बताऊँ तो भाई फ्यूजन आपको लेना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा मेन चीज यहाँ पे आपको नया हेलो UI मिलता है, साथ में एंड्रॉइड 14 के साथ में मिल रहा है. बट हाँ 3 साल का मेजर अपग्रेड मिल रहा है. कैमरा क्वालिटी यहाँ पे ज्यादा बेटर मिलेगा, साथ में यहाँ पे जो ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी है थोड़ा सा बेटर आपको देखने को मिलता है. तो प्राइसिंग सेम होने की वजह से मैं तो बोलूंगा भाई आप आराम से जाओ फ्यूजन लो, फ्यूजन करो, चिल मारो. एंड मोटो एज 40 नियो भी काफी बेटर डिवाइस है. अगर आपके पास ये डिवाइस ऑलरेडी से तो आप इसको और भी लंबे समय तक चला सकते हो. नेक्स्ट 2 साल तक ये फोन आपको अच्छी तरीके से चलेगा. भाई इस फिलहाल इस वीडियो में आई एम श्योर कि आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर हो गया. बाकी और भी कोई क्वेश्चन है अगर आपके पास में मोटो एज फ्यूजन के बारे में, तो लेट मी नो इन द क्वेश्चन. एंड क्या आप चाहते हो कि मैं खरीद करके इसका रिव्यू करूं, वो भी मैं कर सकता बहुत ही जल्द करेंगे. बट आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखने वाले. फिलहाल इस वीडियो में इतना ही. आई एम श्योर कि आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत.